गाइस, जैसा कि सभी जानते हैं कि मैं प्रत्येक दिन वोकैबुलरी का एक नया सेशन लेके आता हूँ, जिसमें हम जो है नए रूट वर्ड्स के बारे में सीखते हैं, एक नया रूट वर्ड के बारे में समझते हैं। आज भी मैं एक नए रूट वर्ड को लेकर आया हूँ, जिसमें हम जो है नए नए रूट वर्ड के बारे में सीखेंगे, उनसे जुड़ा वर्ड समझेंगे, इंग्लिश वर्ड को लर्न करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं हूँ रोहित सिन्हा, सनशाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी आप अगर वोकैबुलरी को सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, अपने वोकैबुलरी को बूस्ट करना चाहते हैं, तो जो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दे। आइए शुरू करते हैं। आज का रूट वर्ड है अल्टर। क्या आज का रूट वर्ड है? अल्टर। अल्टर का मतलब होता है अदर, यानी दूसरा, यानी दूसरा। आज का रूट वर्ड है अल्टर। अल्टर के मतलब होता है दूसरा, अदर। पहला जो रूट वर्ड है वो है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव इसका मतलब होता है चॉइस या ऑप्शन। अल्टरनेटिव का मतलब होता है चॉइस या ऑप्शंस। जैसे आप एमसीक्यू एग्जाम जब देते हैं, तो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, उसमें जो है चार ऑप्शन होता है, यानी हम बोल सकते हैं देयर आर फोर अल्टरनेटिव्स इन एमसीक्यू क्वेश्चंस। एमसीक्यू में क्या होता है, फोर जो है, फोर ऑप्शंस होते हैं, जिसका नाम ही है मल्टीपल्स चॉइस क्वेश्चंस। तो उस मल्टीपल्स चॉइस क्वेश्चन में क्या होते हैं, चार चॉइस होते हैं, यानी चार ऑप्शन होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, देर आर फोर अल्टरनेटिव इन एमसीक्यू। एमसीक्यू में क्या होता है, फोर अल्टरनेटिव होता है, चार ऑप्शन होते हैं। तो अल्टरनेटिव का मतलब होता है अल्टरनेटिव का मतलब होता है चॉइस या ऑप्शन। क्या होता है? चॉइस या ऑप्शन। दूसरा है अल्टरनेटिव, सॉरी, दूसरा है, मैं लिख दिया हूँ गलत से, दूसरा है अल्टरनेट, दूसरा है अल्टरनेट। अल्टरनेट दूसरा है अल्टरनेट, जिसका मतलब होता है स्किप एंड टेक द अदर वन। इसका मतलब होता है स्किप एंड टेक द अदर वन। अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब होता है, इसमें भी रूट वर्ड अल्टर है, इसमें भी रूट वर्ड अल्टर है। अल्टरनेट का मतलब होता है स्किप एंड टेक द अदर वन, एक को छोड़कर दूसरा लेना। जैसे कि मैंने क्या किया, दो, दो के बाद चार लिया, चार के बाद छह, यानी मैंने बीच में क्या, दो के बाद तीन आता, तीन को मैंने छोड़ दिया, चार लिया, चार के बाद पांच आता, पांच को मैंने छोड़ दिया, छह लिया। तो क्या है अल्टरनेट। या फिर जो है रेजोनेंस कोटा, जो बड़े इंस्टीट्यूट है आईटी के, और फिर जो मेडिकल के क्षेत्र में जो बड़े इंस्टीट्यूट है, आकाश है, रेजोनेंस है, कोटा है, वहाँ पर जो पढ़ाई होती है ऐसा होती है, मंडे ट्यूसडे को छोड़ दिया, वेडनेसडे, थर्सडे को छोड़ दिया, फ्राइडे, यानी MWF। या फिर जो है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे को छोड़ दिया, या फिर जो है थर्सडे के बाद फ्राइडे को छोड़ दिया। तो जब हम एक को छोड़ के दूसरा लेते तो उसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्टरनेट। फिर आगे है अल्टर। अल्टर का मतलब होता है टू चेंज। अल्टर का मतलब क्या होता है? टू चेंज, यानी बदलना। क्या होना? बदलना। जैसे में कोरोना हैज अल्टर द लाइफ ऑफ पीपुल। कोरोना हैज अल्टर द लाइफ ऑफ पीपुल, बहुत सारे लोगों का लाइफ जो कोरोना क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बदल दिया। तो हम क्या बोलेंगे, कोरोना हैज अल्टर द लाइफ ऑफ पीपुल, अल्टर द लाइफ ऑफ पीपुल। फिर आगे है आगे है ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है द चेंज, जो बदलाव। ऑल्ट्रेशन, ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है द चेंज। जैसे कि आपके टीचर ने आपको प्रोजेक्ट दिया बनाने, असाइनमेंट दिया, आपने बनाया, अब आपके टीचर कहते हैं कि मैं जो है इस प्रोजेक्ट में, जो आपने प्रोजेक्ट दिया है, उस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा मैं बदलाव चाहता हूँ, चेंज चाहता हूँ, टॉपिक में थोड़ा सा चेंज चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, दे वांट सम ऑल्ट्रेशन इन योर प्रोजेक्ट, दे वांट सम ऑल्ट्रेशन इन योर प्रोजेक्ट, तुम्हारे प्रोजेक्ट में वो कुछ बदलाव चाहते हैं, यानी ऑल्ट्रेशन चाहते, चेंजेस चाहते, उसको हम कहेंगे ऑल्ट्रेशन। फिर है अल्टर, वन हु डिड द अल्ट्रेशन। अल्टर, वन हु डिड द अल्ट्रेशन, जिसने जो है चेंजेस का काम किया। अब मैंने आपको दिया प्रोजेक्ट बनाने के लिए, टीचर ने बोला कि आई वॉन्ट टू सम ऑल्ट्रेशन योर प्रोजेक्ट,
अब आप क्या करोगे कि उस प्रोजेक्ट को जो है आप किसी बड़े की मदद से या फिर किसी के हेल्प से जो है आप क्या किया, चेंज कर लिया, या फिर आपके भाई ने उसे चेंज कर दिया। तो आपके भाई ने जब उसमें चेंजेस लाए, बदलाव लाए, तो हु इज अल्टर, किसने बदलाव किया? आपके भाई ने। आपके भाई ने जो उस प्रोजेक्ट में अल्टरेशन लाया, आपके भाई ने जो उस प्रोजेक्ट में जो है बदलाव लाया, चेंजेस लाए। तो जो अल्टरेशन का काम करता है वो होता है अल्टर, वो होता है अल्टर जो कि बदलने का काम करेगा, यानी वन हु डिड द अल्टरेशन। अल्टर वो होता है जो चेंज करने का काम करता है, वन हु डिड द अल्टरेशन, जो बदलने का काम करेगा उसको क्या बोलेंगे, अल्टर, यानी वन हु डिड द अल्टरेशन। फिर आगे है अल्टर एवल, यानी जिसे बदला जा सके, विच कैन बी चेंज्ड, जिसे बदला जा सके, विच या दैट कैन बी चेंज्ड, जिसे बदला जा सके उसे बोलेंगे अल्टरेबल। एबल का मतलब ही होता है, और इसमें अल्टर है मतलब बदला, और एव चेंज, और एबल का मतलब होता है योग, जो बदलने लायक हो, जो योग हो, उसको हम बोलेंगे अल्टरेबल, विच कैन बी चेंज्ड। और होता है इन अल्टरेबल, विच कैन नॉट बी चेंज, जिसे बदला नहीं जा सके, विच कैन नॉट बी चेंज्ड, जिसे बदला नहीं जा सके, अल्टरेबल विच कैन बी चेंज्ड, इनऑल्टरेबल विच कैन नॉट बी चेंज। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आप एग्जाम में बैठते हो, एग्जाम दे रहे हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपने एक बार क्या किया, किसी एक ऑप्शन को आपने रंग दिया, अब वो जो है इनऑल्टरेबल, उसे आप बदल नहीं सकते क्योंकि बदल नहीं सको, फायदा है नहीं। अब आप दूसरे ऑप्शन को रंगोगे भी तो गलत हो जाएगा, कटकुट हो जाएगा, यानी जो है जो आपने जो ऑप्शन को रंगा अब वो क्या है, इनऑल्टरेबल है। उसी तरह से अगर आप लॉन्ग आंसर्स का जवाब दे रहे हो या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दे रहे हो, उसमें आप क्या करते हो, अगर आपको लगता है कि आपने गलत जवाब दिया है तो आप उसे काट के फिर से उसका आंसर दे सकते हो। तो वहां पर आपने क्या किया, आंसर को बदल सकते हो, अल्टरेबल कर सकते हो, तो वहां पर क्या, चेंजेस ला सकते हो। तो जो आपने लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन दिया या फिर शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन दिया, आपको लगा कि वो गलत है, तो आप उसको सुधार सकते हो, काट के दूसरा आंसर लिख सकते हो जो सही है। तो वो जो आंसर था अल्टरेबल था, लेकिन आपने अगर एमसीक्यू को एक बार जो है जिस भी ऑप्शन को आपने गोल कर रंग दिया, फिर उसे आप चेंज नहीं कर सकते, यानी इन अल्टरेबल है, क्योंकि आप चेंज भी करेंगे तो कोई फायदा है नहीं। तो वैसे चीज जो चेंज किया जा सके उसे बोलेंगे अल्टरेबल, और जिसे चेंज नहीं किया जा सके उसे बोलेंगे इन अल्टरेबल। तो उम्मीद है कि ये वीडियो, ये सेशन आपको पसंद में आएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वोकैबुलरी के लिए, ऐसे ही इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए सनशाइन पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए इंग्लिश वोकैबुलरी के साथ, एक नए रूट वर्ड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।